नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में कलेक्ट्रेट परिसर में मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी शंभु कुमार ने शपथ दिलाई और मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जहां जिलाधिकारी शंभु कुमार ने अपनी सेल्फी लेकर मतदान के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अवसर पर पत्रकारों ने भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर जिलाधिकारी शंभु कुमार ने मतदान के प्रति जागरूक करते हुए लोगों से मतदान करने का संदेश दिया है। वहीं संदेश देते हुए बताया कि मतदान निष्पक्ष निर्भीक होकर करें। हम लोग की ये कोशिश है कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि निर्वाचन की घोषणा हो गई है और बहराइच में 6 मई को मतदान का दिन है, और इस दिन हमारी ये कोशिश है कि हर मतदाता जागरूक होकर अपना मतदान करें। और अभी तक जो हमारा मतदान प्रतिशत 60% के आगे नहीं जा पाया है, उसको हम लोग की कोशिश है कि 80% ले जाए। इसके लिए ये करना होगा कि हमें रैली के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और अन्य प्रकार की जो जागरूकता के कार्यक्रम हैं, चित्रकला और नृत्य की प्रतियोगिताओं के माध्यम से हमें एक एक मतदाता को जगाना है, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे पढ़े लिखे नहीं हों, चाहे गाँव के रहने वाले हों या चाहे शहर के रहने वाले हों, महिला हों, पुरुष हों, उन सभी लोगों को, नौजवान मतदाताओं को भी हम लोग और दिव्यांग मतदाताओं, इन सबको जागरूक करके मतदान के लिए सामने लाएंगे। 6 मई को शांतिपूर्ण मतदान कराने की ये सारी कोशिश है और स्वीप का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर जनपद में कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रथम संस्था के सहयोगियों ने कल्पित बूथ बनाकर जागरूकता रैली निकाली। दरअसल जनपद सिद्धार्थनगर के सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव के मद्देनजर जन जागरूकता रैली एनसीसी कैंडिडेट कोर के बच्चों के जरिए किया गई। वहीं पूर्व पड़ाव तेतरी बाजार के प्राथमिक विद्यालय पर डमी बूथ बनाकर डमी बूथ के साथ पूरी तैयारी के साथ जागरूक किया गया। वहीं जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर कुणाल शिल्कू सहित दर्जनों लोगों ने लाइन लगकर वोट डालने की प्रक्रिया पूरी करते हुए लोगों को जागरूक किया। इस डमी बूथ जागरूकता रैली में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर कुणाल शिल्कू समेत समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ आज का जो कार्यक्रम है, मैं इस बार जो चुनाव कार्यक्रम होना है उसमें मुझे बतौर प्रभारी स्वीप अपनी सेवाएं देनी है, और आज जो कार्यक्रम है स्वीप का ही कार्यक्रम हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सुनियोजित ढंग से जिस तरीके से बूथ पर सारी फैसिलिटी देने के बाद किस तरह से वोटिंग करानी है, उसका एक डेमॉन्स्ट्रेशन टाइप का दिया गया था। और निश्चित तौर से जो एक्चुअल जब चुनाव लोग जब जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन इससे भी बेहतर और भी अच्छी तैयारियों के साथ बूथ पे इसी प्रकार से वोटिंग की जाएगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों की बढ़ोतरी कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने स्कूल भवन में ऐसी पेंटिंग करा डाली कि अब ये स्कूल अपने आप में रेलोनुमा मॉडल बन गया है, जो अब आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से देखने वालों का तांता लगने लगा है। जी हाँ, ये है बिजनौर जिले के नजीबाबाद इलाके का सरकारी प्राथमिक स्कूल। केंद्र सरकार पिछले कई सालों से इस बात से चिंतित है कि आखिर सरकारी स्कूलों में दाखिले कम क्यों रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रेलनुमा डिब्बे की पेंटिंग कर इनकी सूरत ही बदल दी। साथ ही स्कूल में पढ़ रहे बच्चे भी खुशी खुशी स्कूल आने लगे हैं। रेलनुमा स्कूल मॉडल बनने के बाद आगामी सत्र में बच्चों के दाखिले बढ़ने की उम्मीद जरूर जगती नजर आ रही है। केंद्र सरकार के तहत बना है और ये बच्चों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, ताकि बच्चे अच्छे से यहाँ पे आए, आने में इंटरेस्टेड हो, और बाहर से भी यहाँ से दूर दूर से गार्जियन बच्चों को लेके दिखाने जा रहे हैं कि ये स्कूल में ऐसी पेंटिंग हुई है। अच्छा, इस चीज़ से क्या मैसेज देना चाहती हैं, जो रेल का डिब्बा बना है, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैसेज यही है कि बच्चे इसको देख के खुश हों और पढ़ने के लिए अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में उपस्थित हो जाए, नामांकन अधिक। सर, ये केंद्र सरकार की योजना है और बहुत ही अच्छी योजना है ये। इससे जो है बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और गांव से बच्चे देखने आ रहे हैं, माँ बाप भी बच्चों को ला रहे हैं, स्कूल दिखा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी रुचि हो रही है बच्चों की स्कूल आने में। हमारे बच्चों के स्कूल की संख्या भी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के आबकारी अधिकारी ने अपनी टीम के साथ बक्केवर थाना क्षेत्र स्थित एक इंग्लिश वाइन के शॉप में छापेमारी करते हुए केमिकल से बनाई जा रही इंग्लिश वाइन को बरामद किया है। साथ ही इंग्लिश वाइन की रैपर बोतल के ढक्कन के साथ केमिकल को बरामद करते हुए वाइन शॉप को सीज करते हुए वाइन शॉप के मालिक और सेल्समैन के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है।
और मौके से सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में आबकारी अधिकारी संतोष तिवारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस वाइन शॉप में केमिकल मिलाकर शराब बनाने का काम किया जा रहा है। इस सूचना पर हमारे अगुवाई में विभागीय टीम ने वाइन शॉप में छापेमारी की। अंग्रेजी दुकान से बड़ा शराब की भराई कर रहा ब्रांडेड बिक्री की जा रही है और संभवतः उसी व्यक्ति ने हमारे हेडक्वार्टर में EIB रिंग होता है, एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो भी होता है, वहाँ भी सूचना दी। तो मैं अपनी टीम को लेकर यहाँ से और हमारे उपाबकारी आयुक्त श्री रामचंद्र मिश्रा जी इलाहाबाद से चले और हम लोग 5 मिनट के अंतर पर 7:35 पर वो पहुँचे और 7:40 पर मैं पहुँच गया हूँ। तो हमारी कंबाइंड टीम द्वारा वहाँ की दुकान की तलाशी ली गई, दुकान का निरीक्षण किया गया तो कुछ हथों पर जो QR कोड लगे थे, कुछ उचड़े हुए, कुछ उसके साथ छेड़छाड़ किया हुआ प्रतीत हुआ। उनका उनको जब बारीकी से जांच किया गया तो उनकी सील भी टूटी हुई है, फिर खोलकर जब उसकी गंध ली गई तो तीक्ष्ण गंध थी, जैसा कि स्प्रिट से बनी शराबों में होता है। तो उससे लगभग के प्रमाणित हो गया कि जो ये अध्यक्ष हो गए हैं अध्यय हैं आप ये पढ़ाई किए होते हैं बाहर से स्प्रिट ला के भरे यहाँ पर। फिर दुकान की सघन तलाशी ली गई, 4 पानी की बोतलों में तीन पानी की बोतलें थी, उसमें भी वही तरल पदार्थ भरा हुआ था। जब उससे विक्रेता से पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ की गई, उसने बताया कि सदन में दुकान के बगल में कपड़ा है हमारे दुकान में, वहाँ पे ये कार्य होता है। तो क्योंकि दुकान के अलावा बाहर कुछ तलाशी दी जाती थी तो थाना भी बगल में आया, थाने को बुला दिया गया, एस ओ साहब भी आ गया अपनी टीम लेकर, हम लोग कंपनी की सलाहकारी टीम लेकर वहाँ का कमरे की तलाशी ली। खबर संत कबीर नगर से। धारा 144 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर 6 नामजद सहित 60 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी परवेज खान, प्रदेश सचिव यूथ प्रवीण पांडे, विजय शुक्ला, उपाध्यक्ष मृत्युंजय चौबे, मीडिया प्रभारी सुनील पांडे और अजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 10 गाड़ियों से अधिक का काफिला होने और बैठक के बाद जनसभा करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि कलेक्ट्रेट के चौकी इंचार्ज चंदन कुमार की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। यह शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़गो के समीप का मामला बताया जा रहा है। यूपी के योगीराज में बुलंदशहर में बेटियों के साथ दरिंदे बराबर दरिंदगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, बुलंदशहर में चंद ही घंटों में 2 अलग अलग स्थानों पर राह चलती 2 नाबालिग किशोरियों को दरिंदों ने कमरों में खींचकर हवस का शिकार बना डाला। एक किशोरी से गैंगरेप की वारदात की तो दूसरी किशोरी से बलात्कार की वारदात हुई। पुलिस ने दोनों पीड़िताओं को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा। पुलिस की माने तो गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले भी नाबालिग हैं। 2 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि अब रेप और गैंगरेप की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए जल्द कोई योजना बनाकर रोका जाएगा। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का भी दावा कर रही है। मगर सवाल यह है कि आखिर बुलंदशहर में बेटियां कैसे रही सुरक्षित। मामला यह है कि वो लड़की पढ़ने के लिए गई थी बराबर में गाँव में चले जहाँ घरों में, और वो पढ़ने के लिए जा रही तो वो लड़के 4 लड़के हैं जिन्होंने वो लड़की पकड़ के लिए घर में खींच लिया। फिर क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ जो भी उन्होंने करना हो वो करा। हाँ, अब कहाँ है भतीजी आपकी? वो यहीं पर है। हाँ, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया? देखो चल रही है रास्ते, तो अभी हमारे बात समझ में बैठी नहीं है अभी कुछ भी। दुखी का बात है, ये दोनों नाबालिग बच्ची हैं, इतने लोग इसमें मुलजिम हैं, वो लोग सभी लोग नाबालिग, ये बहुत दुखी का बात है।
हम सोच रहा है कोई नया तरीका करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नाबालिग बच्चे ऐसे काम कर रहा है उसका रुकने के लिए। ऐसे इस केस में दुबई में उनका मेडिकल हो रहा है, वो नाबालिग बच्चे कस्टडी में है, इसी में वो औरंगाबाद में उसमें चार लोग हैं, दो बुरा काम कर दिया वो नाबालिग है, वो अभी कस्टडी में लेके अभी रखा है, दो लोगों का अभी तलाशी चल रहा है। ठीक, इसी में मैं किसी को इसलिए नाम बोल रहा हूँ, सभी नाबालिग इसमें बहुत दुखी घटना है। हम रुकने के लिए नया नया तरीका है, हम सोच रहा है कैसे हम इसका रुके। बढ़ते आगे, देश भर में इस समय ब्रज की होली का रंग चढ़ा हुआ है। इसमें हर रोज होती है नए रंग, नए तरीके से होली, क्योंकि ब्रज में देश की जानी मानी लठमार होली का अपना एक अलग ही मजा होता है। और इसी मजा को लेने के लिए ब्रज में देश और विदेश से लाखों राधा और कृष्ण भगवान के भक्त ब्रज के बरसाने आते हैं। नंदगांव में खेली जाने वाली ये लठमार होली पहले नंदगांव के कृष्ण के सखा आते हैं बरसाने राधा रानी की सखियों के साथ होली खेलने, और उसके दूसरे दिन बरसाने के लोग राधा रानी की सखियों के रूप में कृष्ण के गाँव में आते हैं और यहाँ की महिलाओं के साथ इस होली को खेलते हैं और अपना होली का फौवा भी लेते हैं, क्योंकि ब्रज में देवर भाभी को होली के बाद फौवा के रूप में कुछ ना कुछ देना होता है। ये प्रथा भगवान के समय से ही आज तक चली आ रही है। साथ ही नंदगांव में भी बरसाने की होली खेलने आने वाले सभी हुरियारों का स्वागत जोरदार तरीके से किया जाता है। ये लोग भी नंदगांव के हुरियारों की तरह ही यशोदा कुंड में आकर आराम करते हैं और यहीं पर अपनी तैयारी करते हैं। यहाँ की मान्यता मतलब राधा कृष्ण से जुड़ा हुई है परंपरा, राधा कृष्ण का प्रेम हम सब जानते हैं और यहाँ की होली जो वो लोग प्रेम पूर्वक खेलते थे, बरसाना राधा जी का धाम है जहाँ पे पहले होली खेली जाती है, उसका नंदगांव जहाँ पे कृष्ण जी हुए और मतलब कृष्ण जी रहते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं लखनऊ से हूँ तो होली तो हमारी तरफ भी बहुत धूमधाम से होती है, लेकिन यहाँ की कुछ होली अपने में अलग है जो प्रसिद्ध है। लठमार होली देखने के लिए हम दोपहर से इंतज़ार कर रहे थे कि देखिए ये कैसी होती है, तो पहली बार देखा बड़ा मतलब अच्छा लगा, बहुत अलग सा चीज़ है कि, और ये देखना सबसे अलग था, डिफरेंट था कि एक आदमी बीच में बैठ के और इतनी सारी लेडीज बड़े बड़े डंडे से उसको मार रही है और वो किस तरह से पकड़ कर बैठा हुआ है और वो हाथ नहीं छोड़ रहा है और उस चीज़ को मतलब बर्दाश्त कर रहा है कैसे करके, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छा लगा, मतलब हमेशा के लिए मेमोरेबल है। जी, यहाँ के परंपरा के हिसाब से यहाँ पे लठमार होली खेली जाती है, हमारे यहाँ केवल रंग गुलाल और जनरली लोग वहाँ जा करके होली खेली जाती है, तो अंतर तो है। लठमार होली हम पहली बार यहाँ पे आकर देख रहे हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत लगा, बस सरकार से गुजारिश यही है कि थोड़ा व्यवस्था और अच्छा करें ताकि जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सुविधा हो जाए देखने के लिए। अगर बात की जाए कल बरसाना की होली हुई थी, आज नंदगांव की होली है, तो क्या कुछ मान्यता है इसके बारे में जानकारी? हाँ जी, यहाँ पे जो मैंने सुना हुआ है तो बरसाना पहले बरसाना में होली होती है, तो यहाँ नंदगांव से लोग वहाँ जाते हैं होली के लिए, और जिस दिन नंदगांव की होली होती है वहाँ बरसाना से लोग आते हैं होली के लिए। मऊ जिले की पुलिस ने पैरा मिलिट्री की वर्दी में दो अंतर प्रांतीय छात्र गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक एस के श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर के जरिए मधुवन थाने की पुलिस को सूचना दी गई कि दोहरी घाट से आजमगढ़ की तरफ एक ट्रक में अवैध गांजा भारी मात्रा में जा रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम ने गोल मोड़ के पास से एक ट्रक से 70 लाख रुपए की कीमत का 7 क्विंटल अवैध गांजा और 2 अवैध तमंचा कारतूस बरामद कर लिए हैं। साथ ही वाहन में बैठे 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान वाहन चालक मौके से भागने में कामयाब हो गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना नाम धर्मेंद्र यादव गाजियाबाद जनपद के मोदी नगर निवासी और रिंकू यादव औरैया जनपद के इंजन ऑयल चौकी निवासी बताया है। आदर्श आचार संहिता लागू है, जनपद में पूर्व से भी अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। 4 नंबर का ट्रक, मिनी ट्रक जो आप पीछे है, इसमें भर करके सेना की ऑन ड्यूटी लिख करके सेना की वर्दी पहन करके कुछ अभियुक्तगण के द्वारा गांजा जो अवैध तवांग से लाया गया नॉर्थ ईस्ट से यहाँ ले आ करके उतारा गया। कंसाइनमेंट को इन लोगों ने कई जगह उतारा है, बीच के स्टेट में कहाँ उतारा है वो भी पूछताछ का विषय है, पूछताछ की जा रही है। इनके कब्जे से हमें बरामद हुआ है 7 क्विंटल अवैध गांजा बरामद हुआ है। गाड़ी एक DCM ट्रक AR04 54 धर्म अपने मालिक के इशारे पर जैसा ये बता रहे हैं काम करते थे, सेना की वर्दी सेना का ऑन ड्यूटी लिख करके किसके आइडिया से किया गया है, स्थानीय जो भी कंसाइनमेंट लेने वाला है वो कौन है, वो सब हमारे तफ्तीश का विषय है और कीमत करीब 70 लाख रुपये मार्केट।
वहीं फतेहपुर जिले के डीएसओ ऑफिस के सप्लाई इंस्पेक्टर के ऊपर महिला सीपीडीओ ने मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। हंगामे के बाद बीच बचाव करने आए डीएसओ के साथ भी महिला सीपीडीओ और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने के साथ नोकझोंक हो गई और किसी तरह डीएसओ ने मामले को शांत कराते हुए इस पूरे मामले की जांच के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वह इस मामले में महिला सीपीडीओ अमृता श्रीवास्तव ने बताया कि कई दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री यहां खाद्यान्न उठाने के लिए आती थी लेकिन उन्हें खाद्यान्न बिना दिए वापस कर दिया जाता था। आज जब हम लोग यहां आए और खाद्यान्न देने की मांग करने लगे तभी सप्लाई इंस्पेक्टर ने मुझे धक्का देते हुए मेरे खिलाफ जो भी करना हो उसकी धमकी देकर चले गए। हॉट कुक योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का खाद्यान्न मिला था। इस बारे में हम लोगों ने शिकायत डीएसओ से भी की है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं डीएसओ अंजनी कुमार ने बताया कि सीपीडीओ और सप्लाई इंस्पेक्टर की किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। मारपीट जैसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है, फिर भी इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ का जो हट हुआ है वो आता है राशन, वो एक्चुअली में कोटेदारों के खाद उसमें आए वर्करे हमारे यहाँ पे जा रही थी, बार बार वापस कर दिया जा रहा था, सूची में भिजवा चुकी थी, उसके बाद भी कहा गया सूची नहीं है तो मैं दोबारा सूची लेके गई। एकदम से मैंने बस इतना पूछा वहाँ पर कि कोटेदार कौन है, तो एक सज्जन खड़े थे, एकदम से उन्होंने कहा कि मुझसे बात करिए, तो मैंने कहा आप कौन, जब तक उसने हाथ पकड़ कर सकते गए एकदम से गिरते गिरते बचे। कौन था? अच्छा आप कौन है कौन? तो कहने लगा कि मैं यहाँ इंस्पेक्टर हूँ, संजय राय मेरा नाम है, और जो कुछ करना कर लेना, जाके मैं किसी से नहीं करता। अब आप लोग क्या कर रहे हो? हमने तो यहाँ लिखित दे दिया है, अभी हम मैडम को भी देंगे। क्या मारपीट भी की है आपके साथ? अब हाथ पकड़ के घसीटा, उससे ज्यादा मारपीट क्या हो सकती है? एक महिला पुरुष छूले तो ये तो बहुत बड़ी खराब बात है ना। ऐसा है कि ये मेरे संज्ञान में आया था, आंगनबाड़ी का कुछ खाद्यान्न जो है कोटेदारों के यहाँ उठा है हाट कमेटी के अंतर्गत, चूँकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नहीं मिल रहा था तो मैंने इंस्पेक्टर द्वय को, जिसमें मेरी महिला इंस्पेक्टर सुषमा पांडे भी थी, उनको भी मैंने भेजा था। दोनों इंस्पेक्टर जा करके उसकी ही कार्रवाई कर रहे थे, तब तक इन लोगों ने वहाँ कहास भी शुरू कर दिया। मेरे इंस्पेक्टर ने कुछ ऐसा नहीं किया, उन्होंने धीरे से अपना यही कहा कि मैडम मुझसे बात करिए, मैं उस क्षेत्र का इंस्पेक्टर हूँ, मैं बताऊंगा कि कैसे गल्ला मिलेगा, अब कहें परेशान हो गए। उसमें उनका हाथ उनके हाथ से टच हो गया, उसी को ही फिजिकल असाल्ट कर रही है, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। खास वाली है कि क्यों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा था, इसलिए कि न तो वह सूची कि किस आंगनबाड़ी का कितना किलोग्राम गेहूँ कोटेदार के उठा है, क्योंकि 15-20 आंगनबाड़ियों का उठा है, तो ये निश्चित नहीं हो पा रहा था। उसकी सूची न तो मुझे उपलब्ध कराई गई थी, न तो कोटेदार को उपलब्ध कराई गई थी। जैसे ही मैंने जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती जया प्रताप त्रिपाठी से बात किया और सूची उपलब्ध हुई कोटेदार को, कोटेदार ने विदिन 1 आवर सबको गल्ला पूरा पूरा तोड़ करके दे दिया। कार्यकर्त्री का आरोप है कि संजय राव जी ने हाथ पकड़ के खींचा और मारपीट की है मेरे साथ, इस पे आप? उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया उस पर मैं क्षेत्रीय खाधिकारी श्री किशोर शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर रहा हूँ, और टीम अगर जांच रिपोर्ट में पाएगी कि वाकई उनके साथ मिसबिहेव हुआ है तो जो विधि अंतर्गत कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली 1956 के अंतर्गत कार्रवाई। बकेवर थाने के बामोरा गांव के 4 वर्षीय पीयूष की कुएं में गिरकर मौत हो गई, तो वहीं घर वालों का कहना है कि कल शाम 7 बजे से पीयूष गायब था। सब लोगों ने हर जगह खोजा और खोजने के बाद आसपास के ही कुएं में चेक किया तो मृतक कुएं में पाया गया। गांव वालों ने मृतक पीयूष को बाहर निकाला, मौके पर महेबा चौकी इंचार्ज पहुंचे और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए इटावा भेजा। वहीं मृतक पीयूष की माँ का कहना है कि हमारे ससुराल वालों की आए दिन फोन पर धमकियां मिल रही थी कि जान से मार देंगे बेटे को, तो हमारे ससुराल वालों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अच्छा, कौन लोग हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है? ससुराल वाले इन्होंने। अच्छा, तो क्या कारण रहे हैं जो इस घटना को अंजाम दे दिया है? छोड़ दो तो पहले से उन्होंने। कहाँ ससुराल है आपकी? बरौली। अच्छा, पहले भी कभी ये धमकी वगैरह दे चुके हैं आपको? पहले भी दी फोन से उन्होंने। क्या धमकी दी है उन्होंने? कि मार देंगे, अब पीयूष को उठा ले आएंगे, तुमको भी मार देंगे। अच्छा, तो उन्हीं लोगों ने। अच्छा, क्या नाम है आपके पति का? उदय प्रताप। अच्छा, तो लगता है कि इन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया है जी।
सीतापुर की कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र में आज फिर ट्रैक्टर से कुचलकर एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम हरक्षण गांव गजराजपुर थाना महमूदाबाद सीतापुर का बताया जा रहा है। अपना ही आलू ट्रॉली में लादकर कोल्ड स्टोर जा रहा था, अचानक रास्ते में नींद आ जाने से ट्रैक्टर से नीचे गिरकर ट्रॉली का पहिया सर पर चढ़ जाने से मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर महमूदाबाद पुलिस ने मृतक को टैक्सी की मदद से सीएचसी महमूदाबाद पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बॉडी को सील कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। तो वहीं सीतापुर के महमूदाबाद में राजा महमूदाबाद मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान के निवास स्थान संगत किला थाना कोतवाली महमूदाबाद में फ्रांस राजदूत अलेक्जेंडर जिगलर पहुंचे। मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान के जरिए जहां उन्हें शिष्टाचार भेंट वार्ता की गई। आमिर मोहम्मद खान ने राजदूत जिंगलर को लाइब्रेरी इमामबाड़े का भ्रमण करवाया और उसके बारे में बताया। इसके बाद वह अमीरगंज स्थित इमाम अली इमाम हुसैन हजरत अब्बास की 2100 सालों पुरानी सांकेतिक दरगाह और करबला का भी भ्रमण कर जानकारी भी ली। इस मौके पर राजा के बेटे प्रोफेसर मोहम्मद आमिर अहमद खान, उप जिलाधिकारी अमित कुमार भट्ट, कोतवाल गोपाल नारायण सिंह, किला के मोहम्मद सदर हुसैन मोहम्मद जैदी, आगा वकीर अनवार हुसैन, सैयद अब्बास हसनैन रदा और काफी फोर्स के मौजूद रहे। फिलहाल मेरे साथ उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों में इतना ही। नमस्कार।